नगर थाना अंतर्गत निचली किला गटपर मोहल्ले में बदमाशों ने डॉक्टर के घर से 15 लाख जेबरात नकदी समेत टोटल लाखों की संपत्ति चुरा ली है। यह घटना 20 जुलाई के देर रात, पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस ने जांच प्रभावित होने की आशंका से उन्हें मीडिया से जानकारी शेयर करने से परहेज की सलाह दी थी। 10 दिन बीत जाने के बाद भी चोरी का खुलासा नहीं होने पर पीड़ित परिवार ने मीडिया को यह जानकारी दी है। यह चोरी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर लोक कुमार के घर में हुई और चिकित्सक के पिता रिटायर्ड शिक्षक राजेंद्र प्रसाद सिन्हा ने घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई है। राजेंद्र प्रसाद सिन्हा रिटायर्ड शिक्षक हैं। बता दें, बुजुर्ग ने बताया कि 20 जुलाई को अहले सुबह जब उनकी नींद खुली तो उन्हें चोरों का पता चला। स्टोरवेल तोड़कर चोरों ने 1.5 लाख नकदी व सोने चांदी के जेवरात चुरा लिए। इसकी अनुमति करीबन कीमती लाखों के अधिक है। आपको बता दें, थानाध्यक्ष राम शंकर सिंह ने बताया कि केस दर्ज कर पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। निधि सिंह के साथ नालंदा से राकेश की रिपोर्ट। और ऊपर छत के सहारे हमारे घर में प्रवेश करके और हमारा गोदरेज दोनों रूम का तोड़ दिया और जितना भी ऑर्नामेंट था सब और पैसा नगद था जो लेकर के चला। कितना मतलब गोल्ड था और कितना नकदी था? गोल्ड हमारा बड़ा बेटा का था जो यहाँ पर नए हैं, लेकिन लगभग हमको लगता है कि 7-8 लाख का सामान उसका था और 1.5 लाख रुपया का हमारा नगद पैसा गया है और इसके अलावा कोई दूसरा सामान नहीं लिया है, सिर्फ गोल्ड और पैसा लिया है। क्या लग रहा है, कोई लोकल है या बाकी है? हमको कुछ समझ में आ रहा है बगल का ही आदमी का साजिश है, लेकिन जब तक हम उसको आँख से देखा नहीं है तब तक हम उसका नाम कैसे बता सकते, लेकिन ये बगल का ही साजिश है। अच्छा, तो आप लोग उसमें कहाँ थे उस समय? कमरा में सोए हुए थे। हम लोग को लगता है कि कुछ स्प्रे करके बेहोश कर दिया है। अच्छा, दरवाज़ा खुला हुआ था, अंदर से अंदर जाने में हमारे रूम में कोई दिक्कत उसको नहीं था, इसलिए हम लोगों पर कुछ स्प्रे किया है। हम लोग एकदम गहरी नींद में थे, हम लोग को कुछ पता नहीं चला कि किस समय आया किस समय चला गया। सवेरे जब हम 3:30-4 बजे उठे हैं तो इस तरह से हम देख कर करके दंग हो गए। टोटल कितना अमाउंट हो रहा होगा? करीब करीब 10 लाख का संपत्ति हमारा गया। इसका सूचना वगैरह कौन दिए? हम पुलिस को उसी समय उठने के साथ हम फोन करके पुलिस को खबर किया, पुलिस आई है और सब तरह का जाँच पड़ताल किया है, लेकिन अभी तक उद्भेदन नहीं हो सका।